फ्रेंड्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमा दीपकौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंडिया इलाके के बाद अब नवाबगंज इलाके में जहरीली शराब से दो लोग की मौत हो गई है, जबकि दो लोग की हालत गंभीर है। इससे गुरुवार प्रशासन और अबकारी अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। अफसरों ने मृतकों के घर वालों से पूछताछ कर गाँव में तलाशी अभियान जारी कर दिया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के सावापुर गाँव में माजरा पुरई का पूरा निवासी भूपेंद्र 55, पुत्र शिवमंगल, वकील 45, पुत्र सूरजदीन और बाबूलाल पुत्र रमई मंगलवार को सोराव गए थे। वहां तीनों ने शराब पीकर फिर घर लौट आए। इसके बाद बुधवार को उनकी तबीयत खराब हुई। बुधवार देर रात भूपेंद्र की मौत हो गई और गुरुवार सुबह वकील ने दम तोड़ दिया। घर वालों ने आनंद फानन में दोनों शवों को फाफा माऊ घाट के पर अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद गुरुवार शाम करीब 6 बजे बाबूलाल की भी मौत हो गई, जबकि दोनों अन्य लोगों की हालत गंभीर रूप बताई जा रही है। रात करीब 8:30 बजे जहरीली शराब से तीन लोग की मौत का हल्ला मचने पर एसपी गंगापार, सीओ अबकारी अधिकारी गांव पहुंच गए। मृतकों के घर वालों से पूछताछ की, दोनों शराब पीने के बारे में पता चला। इसके बाद गाँव में घर घर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हालांकि सुराव में कहा है और इससे शराब खरीद कर लोगों ने पियाया था, ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि गंभीर लोगों के बारे में पुलिस पता लगा रही। भूपेंद्र की पत्नी कुसुम, बेटे शिव और बाबूलाल बहन मंगरू गुल्ली ने शराब पीने की बात स्वीकार की है। वहीं वकील के घर वालों ने तबीयत खराब होने की बात कही। दिनांक 1 अप्रैल को थाना नवाबगंज के शाहपुर नामक गाँव में पुलिस को 3 व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस प्रशासन तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया तथा उनके परिवारजनों का से बातचीत की गई, उनके बयान लिए गए। उन तथ्यों के आधार पर तथा प्रारंभिक जांच और उनके परिवारजनों के बयान के आधार पर के अनुसार एक व्यक्ति वकील उर्फ कल्लू पुत्र सूर्यदीन, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, जो शाहपुर पुरई का पुरा का निवासी है, इसके रीढ़ की हड्डी में चोट थी और ये आंशिक रूप से विकलांग था। कि विगत कई दिनों से इसका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और इसका इलाज किया जा रहा था। इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बाबूलाल पुत्र राजाराम उम्र 52 वर्ष निवासी शाहपुर पुरई का पुरा, इसकी भी तबीयत विगत 1 महीने से खराब थी। इसको बुखार था, इसके पेट में लगातार दर्द की शिकायत थी। इसका इलाज भी स्थानीय रूप से किया जा रहा था। इसकी भी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा इसके शव को कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भूपेंद्र श्रीवास्त्रो पुत्र शिव मंगल दास उम्र 55 वर्ष निवासी शाहपुर पुरई का पुरा, इसके बारे में इसके परिवारजनों का कहना है कि ये किसी अन्यत्र जगह से शराब पीकर आया था और उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा इसके सारे तथ्यों की जाँच की जा रही है कि वह कहाँ गया था और किससे मिला था, इसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। इसका शव का भी अंतिम संस्कार इसके परिवारजनों द्वारा किया गया है। पुलिस की टीमें निरंतर गांव में चेकिंग अभियान चला रही हैं। प्रत्येक घरों को, प्रत्येक व्यक्तियों को चेक किया गया है और अभी तक किसी अन्य व्यक्ति की तबीयत खराब होने की सूचना नहीं है। सभी व्यक्ति सकुशल है। फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमें, आबकारी की टीमें निरंतर गांव में गश्त कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की जा रही है और यदि किसी की भी तबीयत इस तरह से खराब मिलती है तो उसे इलाज हेतु भेजा जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।